थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। मैरवा पुलिस ने धरनी छापड़ चेक पोस्ट से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। खबर है कि मैरवा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैरवा थाने की पुलिस ने यूपी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित धरनी छापड़ चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए एक DCM वाहन के तहखाना बनाकर छिपाए गए विदेशी शराब को बरामद किया। इसके साथ ही DCM चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार चालक की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना क्षेत्र के समरपुर निवासी शिवजी चौधरी का पुत्र जीवक्ष चौधरी के रूप में हुई है। वहीं मैरवा थाना के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि धरनी छापड़ चेक पोस्ट पर दिन में वाहन जांच के दौरान पर शक के आधार पर जवानों के द्वारा DCM वाहन को रोका गया। पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद चालक गाड़ी लेकर वहां से और तेजी से भागने लगा। फिर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक को धर दबोचा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उस गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। मैरवा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में 3 को गिरफ्तार कर आज भेजा जेल। खबर मैरवा की है, जहां पर मैरवा थाना पुलिस ने आज आर्म्स एक्ट के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चलो कि गिरफ्तार अभियुक्त बलिया जिला के सिकंदरपुर निवासी मनीष कुमार तिवारी है। दूसरा अभियुक्त मैरवा के तितरा का रहने वाला मोहित कुमार पटेल है और वहीं तीसरा गुठनी थाना क्षेत्र का रहने वाला मनोज है, जिसे पुलिस ने आज जेल भेज दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैरवा में जागरूकता मार्च निकाला गया। खबर मैरवा की है, जहां पर मैरवा के हरिराम हाई स्कूल के छात्राओं व NCC के कैडर के द्वारा आज मैरवा में जागरूकता अभियान निकाला गया, जिसमें आज कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। बताता चलूं कि कोरोना के तीसरी लहर ओमिक्रॉन, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, उसे बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया गया, जो आज यह जागरूकता रैली मैरवा के गुठनी मोड़ से शुरू होकर हरिराम हाई स्कूल के परिसर में समाप्त हो गया। राजेंद्र स्टेडियम में जिलाधिकारी ने किया झंडोत्तोलन, मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। खबर सिवान की है, जहां पर आज सिवान में धूमधाम से 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिवान जिला प्रशासन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मना रहा है। बताता चलूं कि आज सिवान के DM अमित कुमार पांडे और SP शैलेश कुमार सिन्हा ने सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया, फिर राष्ट्रगान के साथ झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर सिवान के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही काफ़ी सीमित संख्या में कोविड गाइडलाइन को देखते हुए आम जनता भी उपस्थित रहे। सिवान के DM ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अपने भाषण में बिहार सरकार की उपलब्धियों और सिवान में हो रहे विकास की चर्चा किया। राजद कार्यकर्ता सदाम हुसैन की पिपरा में हत्या कर शव फेंके जाने को लेकर MLC टूनाजी पांडे ने कार्रवाई करने की मांग। खबर है कि बीते दिन सिवान के बिंदुसार गांव निवासी सद्दाम हुसैन की, जो राजद कार्यकर्ता था, उसे जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के पिपरा चंवर में हत्या करके फेंक दिया गया था, जिसके बाद उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें सद्दाम अपने हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा था, जिसमें वह पूरा नशे में दिख रहा था। इसी को लेकर सिवान के MLC टूनाजी पांडे ने प्रशासन से न्याय करने की मांग की है। इसके साथ साथ टूनाजी पांडे ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत तिलक समारोह में उसके हाथ में पिस्टल थमा दिया गया और शराब पिला दिया गया और उसके बाद वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। हाँ मित्रों प्रणाम, मैं टूनाजी पांडे MLC सिवान बिहार, आप लोगों को सादर प्रणाम। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि
पूरे बिहार में और विशेषकर सिवान में अपराध की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका अंत कब होगा ये भगवान जाने। समझ में नहीं आ रहा है कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता को हत्या किया जा रहा है, चाहे वो राजद का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी की भी हत्या किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है। आखिर ये अपराधी कहां से आते हैं, ये अपराधी किनके हैं, आखिर इस तरह से किस तरह हत्या की जाती है, आप अभी स्वयं देखे होंगे। बहुत दुखद और मर्माहत है। हम लोग हैं अंदर से रो रहे हैं इस बात को लेकर के कि सद्दाम जी जो एक राजद के बहुत ही कर्मनिष्ठ और बहुत ही जुझारू नेता थे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे राजद के, और उनको किस तरह तिलक में बुलाया जाता है और बुला करके उनके हाथ में दारू पिला करके उनको पिस्टल या क्या पकड़ा करके पीट पीट कर उनको मार दिया जाता है, मारकर पोखरा में फेंक दिया जाता है। और इस दुखद घटना पर भी वहां के कुछ नेता विधायक के साथ ओखई गांव पहुंचे लोगों ने किया गाली गलौज, गांव फूंकने की दी धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। खबर है कि बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र के उखई गांव में स्थानीय विधायक पहुंचे थे। वहीं बता तो चलो कि उनके साथ उनके समर्थक भी पहुंचे थे। उनके समर्थक ने गांव वालों के साथ गाली गलौज करते हुए कुछ लोगों के साथ मारपीट भी किया। इसके साथ साथ उन लोगों ने पूरे गांव को जला देने की धमकी भी दिया है। बता तो चलो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं यह एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से विधायक अपने समर्थकों के साथ इस गांव में पहुंचे और सारे समर्थक गांव फूंकने की धमकी दे रहे हैं। सिवान के जेपी चौक पर आज 26 जनवरी की देर शाम भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारत माता पूजन कार्यक्रम के आयोजन में सिवान बजरंग दल के संयोजक सहित तमाम हिंदुवादी नेताओं शामिल हुए और सभी ने जेपी चौक पर भारत माता की जय कारा लगाई। साथ ही साथ हमारा देश अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे जैसे नारे भी लगे। इस मौके पर तमाम युवा साथी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपके शहर में आज क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, अब पाएं अपने शहर की हर घटना की पूरी जानकारी सिर्फ पब्लिक ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें और देखें अपने शहर की हर घटना का पूरा वीडियो भारत के भरोसेमंद ऐप पब्लिक पर। डाउनलोड करें आज ही।